हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन द बायजूस एग्जाम प्रेप। और मैं हूं आशीष ओगले। आज मैं आप लोगों के साथ में एक छोटे से कॉन्सेप्ट वीडियो के साथ में आया हूं, छोटा सा लेकिन है बहुत ही इंपॉर्टेंट। सो ये जो कॉन्सेप्ट है, बेसिकली आज हम जिस पर बात करने वाले हैं, दैट इज बॉम्ब साइक्लोन और द एक्सप्लोजिव साइक्लोजेनेसिस, यानी कि बम चक्रवात या विस्फोटक चक्रवात जनन। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो अभी हाल ही में काफी न्यूज में भी है, काफी समाचार में भी है, और इसके बारे में आज काफी डिटेल से मैं आप लोगों के सामने बात करने वाला हूं। एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो इससे पहले कि हम इस बॉम्ब साइक्लोन एक्सप्लोजिव साइक्लोजेनेसिस, मतलब बम चक्रवात या विस्फोटक चक्रवात जनन के कॉन्सेप्ट पर बात करें, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, फटाफट इस चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सेशन को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ में जितना ज्यादा हो सके उसे शेयर कीजिएगा। दैट्स गुड। चलिए तो मैं आपको बता देता हूं कि बम साइक्लोन क्या होता है। तो बेसिकली सबसे पहले मैं आपको बताऊं छोटा सा कॉन्सेप्ट। अ बम साइक्लोन इज अ लार्ज इंटेंस मिड लेटिट्यूडनल स्टॉर्म दैट हैज द लो प्रेशर एट इट्स सेंटर, वेदर फ्रंट्स एंड एन अरे ऑफ द एसोसिएटेड वेदर from blizzard to the severe thunderstorm to the heavy precipitation occurs in them. बम चक्रवात एक मध्य अक्षांशीय विशाल तीव्र तूफान है जिसके केंद्र में निम्न वायु दाब, वायु मौसमी वाताग्र तथा गरज चमक के साथ भारी बर्फीली वर्षा होती है। सो एक्चुअली ये बहुत ही खतरनाक माना जाता है। ओके, और इसमें एक्चुअली दरअसल एक अचानक टेम्परेचर इज गोइंग टू वेरी डाउन, यानी कि तापमान बहुत नीचे चला जाता है। So, आखिर क्या है ये बम साइक्लोन, तो उसी के बारे में विस्तार से मैं चर्चा करता हूं और आप लोगों के सामने बात रखना शुरू करता हूं। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, एक बहुत सिंपलेस्ट थिंग, यानी कि बहुत साधारण सी बात अबाउट द साइक्लोन, यानी कि चक्रवात। सो व्हाट इज द साइक्लोन, चक्रवात क्या होता है? सो दैट साइक्लोन्स आर डेवलप्ड ड्यू टू द इम्बेलेंस ऑफ द प्रेशर बेल्ट ऑन द अर्थ सर्फेस, यानी कि पृथ्वी की सतह पर जब भी वायुदाब के संतुलन में कुछ भी गड़बड़ी होती है या असंतुलन पैदा होता है तो उसके फलस्वरूप चक्रवात की उत्पत्ति होती है। कैसे? तो यहां पर हमें देखने को मिलता है, बहुत साधारण है, जिसे हमने बात की है कि वेर एवर द लो प्रेशर बेल्ट इज गेट डेवलप, जहां कहीं भी निम्न वायुदाब की पेटी तैयार होती है उसके चारों ओर हाई प्रेशर बेल्ट यानी कि उच्च वायुदाब की पेटी तैयार हो जाती है। ये एक बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है जो मैं जानता हूं और मानता हूं कि आप सब लोग जानते हैं। सो यही कारण है कि विंड्स इन दिस साइक्लोन आर स्टार्ट्स ब्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। इस प्रकार से चक्रवात में जो पवन होती हैं वो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ चलना शुरू हो जाती हैं, एंड दैट इज द रोटेटिंग मूविंग ओके एडीज। ये एक प्रकार से क्या होते हैं, ये घूमते हुए यानी कि घूर्णन करते हुए ओके दरअसल एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा करते हुए भंवर की तरह होती हैं, और इन्हें यहां पर चक्रवातों के नाम से पुकारते हैं। एक्चुअली द साइक्लोन्स मेजरली आर ऑफ टू टाइप्स, यानी कि चक्रवात मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। द फर्स्ट ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, यानी कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात। ओके, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स और दोस उष्णकटिबंधीय चक्रवात वे होते हैं विच ऑकर्स बिटवीन 23.5 डिग्री ऑफ नॉर्थ एंड साउथ बोथ हेमिस्फीयर। ओके, मतलब कहते हैं कि दरअसल ओके 23.5 डिग्री के उत्तरी और दक्षिणी दोनों ही ओके अक्षांशों के बीच का जो क्षेत्र होता है, यहां पर आने वाले चक्रवातों को उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। एंड द सेकंड वी कॉल इज अ टेम्परेट साइक्लोन। दूसरा जो है वो है हमारे पास में शीतोष्ण चक्रवात। सो द टेम्परेट साइक्लोन आर मेनली ऑकर्स ओके जस्ट ओके वी कैन से आउट ऑफ द 23.5 डिग्री, यानी कि 23.5 डिग्री के उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों के बाहर आने वाले होते हैं। स्पेशली दे आर जनरली अकर्स बिटवीन 30-60 डिग्री लेटिट्यूड्स, यानी कि सामान्यतः ये जो होते हैं 30-60 डिग्री के अक्षांशों के मध्य आते हैं, और इन्हें हम टेम्परेट साइक्लोन्स कहते हैं, इन्हें शीतोष्ण चक्रवात कहते हैं सामान्यतः। जनरली इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, काफी महत्वपूर्ण बात होती है कि टेम्परेट साइक्लोन्स आर नॉट कंसिडर्ड एज ऑफ द डिजास्ट्रस, मतलब शीतोष्ण चक्रवातों को सामान्य रूप से विध्वंसकारी या विनाशकारी नहीं माना जाता, बट एक्चुअली ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर ऑलवेज कंसिडर्ड एज ऑफ द डिजास्ट्रस, किंतु उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को हमेशा एक बहुत ही विध्वंसकारी माना जाता है। एक सबसे खास बात जो आती है वो ये कि इफ यू लाइकली टू नो अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द ट्रॉपिकल साइक्लोन एंड टेम्परेट साइक्लोन, तो एक छोटी सी बात मैं यहां आप लोगों के साथ में जरूर करना चाहूंगा। उष्णकटिबंधीय चक्रवात और शीतोष्ण चक्रवात के बीच में आखिर क्या अंतर है, मुख्य अंतर क्या है? सो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर दोस विच जनरेट बाय द थर्मल इफेक्ट। ओके, क्या बोलते हैं, बाय द थर्मल इफेक्ट, मतलब उष्णकटिबंधीय चक्रवात वे होते हैं जो तापीय प्रभाव से निर्मित होते हैं, तापीय प्रभाव के कारण निर्मित होते हैं।
इट मीन्स द प्रेशर बेल्ट्स आर क्रिएट ड्यू टू द थर्मल इफेक्ट, यानी कि यहां पर वायुदाब की पेटियां जो हैं वो तापीय प्रभाव के कारण से निर्मित होती हैं। इस कारण से उष्णकटिबंधीय चक्रवात अधिकांशतः आते हैं। जबकि दूसरी तरफ इफ आई डिस्कस ऑन द टेम्परेट साइक्लोन, अगर मैं दूसरी तरफ शीतोष्ण चक्रवातों की बात करूं, सो मेनली दैट अकर्स ड्यू टू द एयर मास मूवमेंट। ओके, इसके आने का मुख्य कारण जो है वो वायु राशियों के हलचल के फलस्वरूप निर्मित होने के कारण से होता है। गॉट इट हियर? तो बेसिकली यहां पर टेम्परेट साइक्लोन्स के बारे में मैंने आपसे कहा। एक्चुअली व्हाट द बॉम साइक्लोन आई स्पीक टू यू, यानी कि वास्तव में जिस प्रकार के बम चक्रवात की हमारी बात हो रही है, ओके, दैट इज द मेजर टाइटल ऑफ द सेशन, इट इज अ टाइप ऑफ द टेम्परेट साइक्लोन। ये वास्तव में शीतोष्ण चक्रवात का ही प्रकार है। कैसे है, क्या है आखिर सामान्य चक्रवात, और यहां पर बात कर सकते हैं कि दरअसल इन बम चक्रवातों में क्या डिफरेंस है, तो यहां पर बात करते हैं, लीजिएगा प्लीज। तो एक छोटी सी बात, जैसे कि मैंने कहा कि एयर मासेस, यानी कि मैं आपको बता रहा हूं वायु राशियों के फलस्वरूप, तो यहां आप देख सकते हैं ये एरोज चल रहे हैं, ये एरोज जो है दे आर द एयर मास और द विंड्स, यानी कि पवने हैं। जस्ट लाइक दिस पर्टिकुलर विंड्स आर कम्स फ्रॉम द बोथ द साइड्स, यानी कि दोनों ही तरफ से ये पवने चल रही हैं, ग्रीन कलर में दिख रही हैं, यहां रेड कलर में दिख रही हैं। सो द दिस आर व्हाट, दिस आर द एयर मासेस ऑफ द डिफरेंट नेचर, ये अलग अलग प्रकार की प्रकृति की वायु राशियां होती हैं जो टेम्परेट रीजन, जो अगर हम कहें तो शीतोष्ण प्रदेशों में चलती हैं। एक जैसे कि ठंडी वायु राशि है और दूसरी जो है गर्म वायु राशि, यानी कि कोल्ड एयर मास एंड द वार्म एयर मास। When they are actually come close to the each other, जब ये आपस में एक दूसरे के निकट आ जाती हैं, काफी निकट आ जाती हैं। Okay, so basically इनके अपने एक बहुत important कह सकते हैं कि characteristics होते हैं, इनकी बड़ी स्वयं की अपनी विशेषताएं होती हैं। विशेषताओं में सबसे खास बात अगर मैं कहूं कि वार्म एयर मासेस आर व्हाट, यानी कि गर्म वायु राशियां क्या होती हैं, गर्म वायु राशियों की बात करते हैं तो इनकी सबसे बड़ी विशेषता है दे आर लाइट इन द वेट। ओके, मतलब इनका भार हल्का होता है, यानी कि ये लगभग बहुत हल्की होती हैं। दूसरी बात, दे आर रेयर, यानी कि ये कैसी होती हैं, ये अगर हम कहें तो विरल होती हैं। ओके, जस्ट अपोजिट, इसके बिल्कुल विपरीत यदि बात करते हैं तो कोल्ड एयर मास, ठंडी वायु राशियां जो होती हैं, दे आर हेवी। ओके, ये कैसी होती हैं, ये भारी होती हैं। और एक्चुअली अगर मैं वार्म एयर मासेस, यानी कि गर्म वायु राशियों की तुलना में बात करूं तो दिस कोल्ड एयर मासेस आर ओके मोर डेंस, यानी कि ये ज्यादा सघन होती हैं, यानी कि इनका घनत्व गर्म वायु राशियों की तुलना में ज्यादा पाया जाता है। और यही कारण है कि जब ये दो प्रकार की वायु राशियां आ रही हैं, थोड़ा सी बात करते हैं, फर्ज कीजिएगा, थोड़ी सी बात मैं आपको बता दूं कि ऐसा समझ के चलो कि जो वार्म एयर मासेस, यानी कि जो गर्म वायु राशि आती हैं, दे आर कम फ्रॉम द इक्वेटोरियल रीजन, है ना। ऐसा होता है कि ये कहां से आ रही होती है, ये विषुवती प्रदेशों के पास में से आ रही होती है, भाई तभी तो ये गर्म है। और दूसरी तरफ जो कोल्ड एयर मासेस होती हैं, यानी कि ठंडी वायु राशियां जो होती हैं, दे आर कम फ्रॉम द पोलार रीजन, यानी कि ये ध्रुवीय प्रदेशों से आ रही होती हैं। ओके, आपको सुनकर के थोड़ा सा आश्चर्य होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि दैट पर्टिकुलर टेम्परेट रीजन, यानी कि जो शीतोष्ण प्रदेश है, यहां पर जो टेम्परेट साइक्लोन्स, यानी कि शीतोष्ण चक्रवात जो आते हैं, इट इज एक्चुअली ओके एक्सप्लेन्ड बाय द जापानीज, यानी कि जापानीज के द्वारा ओके इसकी व्याख्या की गई है, एंड इट इज आल्सो कॉल्ड एज अ पोलर फ्रंट थ्योरी। इसे यहां पर ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत भी कहा जाता है, जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। ओके, लेट्स सी, मैं आपको बता देता हूं। सो इसमें क्या हो जाता है कि बेसिकली पोलर एरिया से, यानी कि ध्रुवीय प्रदेशों से जब ये आती हैं, सो विंड्स क्योंकि भारी होती हैं, सो दे आर एक्चुअली जस्ट कोम क्लोज टू द ईच अदर, ये आपस में एक दूसरे के निकट आ रहे हैं। दे लाइकली टू क्राई टू मिक्स विद द ईच अदर, यानी कि ये आपस में एक दूसरे के साथ में मिश्रित होना चाहते हैं, लेकिन मिल नहीं पाती हैं। क्यों नहीं मिल पाती हैं, उसका कारण है क्योंकि ये रेयर है और हल्की है, यानी कि ये विरल है और हल्की है, जबकि ये भारी है और डेंस है। और यही कारण है कि दरअसल कोल्ड एयर मासेस विल एक्चुअली स्टार्ट सेटिंग डाउन, यानी कि नीचे की तरफ बैठने लगती हैं। किसके नीचे? ये गर्म वायु राशियों के नीचे बैठती हैं। दे अप्लाई अ फोर्स फ्रॉम बॉटम टू अप, ये एक प्रकार से नीचे से ऊपर की ओर बल लगा देती हैं, एंड अपलिफ्ट टू द वार्म एयर मासेस, और वह गर्म वायु राशियों को ऊपर उठा देती हैं। गॉट इट हियर? बेसिकली जब ये ऊपर की तरफ उठती हैं, दैट एक्चुअली क्रिएट अ रोटेटिंग कॉलम। ओके, दैट क्रिएट अ काइंड ऑफ द रोटेटिंग कॉलम टू व्हाट वी कॉल एज अ टेम्परेट साइक्लोन। बात समझ में आया? ये एक प्रकार के घूर्णन करते हुए स्तंभ के रूप में दिखाई देती हैं, और इन्हें ही हम शीतोष्ण चक्रवातों के नाम से पुकारते हैं। बात समझ में आया? बर्जनन थ्योरी, पोलर फ्रंट थ्योरी, इसे ही कहा जाता है। ओके, कह सकते हैं कि बर्जनन का सिद्धांत, या फिर यहां पर ध्रुवीय वाताग्र का सिद्धांत यही कहलाता है। सो इसमें यहां जो वायु राशियां ऊपर उठ रही हैं, यही एक्चुअली हमारे पास में क्या होती हैं, शीतोष्ण चक्रवातों के रूप में दिखाई देती हैं, एंड दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द टेम्परेट साइक्लोन। चलिए भाई, यहां टेम्परेट साइक्लोन तो आप समझ गए,
क्या होता है? बहुत साधारण सी बात है। अब ये जो साइक्लोन है, ये जो चक्रवात है, अब इसको आप समझ चुके हो। इसमें एक सबसे खास बात है, ऊपर उठाना इंपॉर्टेंट है, एम आई राइट? मतलब कोल्ड एयर मासेस जितनी स्ट्रांग होंगी, ओके, ठंडी वायु राशियां जितनी शक्तिशाली होंगी, एक्चुअली वो उतनी ही तेजी से और बहुत बड़ी मात्रा में वार्म एयर मासेस को, गर्म वायु राशियों को ऊपर उठा के फेंक देंगी। सो बेसिकली यहां पर जो विंड्स हैं वो ऑलरेडी पोलर एरिया से आ रहे हैं, यानी कि ध्रुवीय प्रदेशों से आ रहे हैं। और जब बात हो जाए कौन सी, विंटर, यानी कि शीत ऋतु की, तो शीत ऋतु के दौरान, ओके, जब शीत ऋतु के दौरान एट द टाइम ऑफ द विंटर क्या हो जाए कि बेसिकली जब कोल्ड एयर मासेस पोलर रीजन से आते हैं, यानी कि ध्रुवीय प्रदेश से आते हैं, तो दे आर वेरी स्ट्रांग, ये बहुत शक्तिशाली होती हैं और बिल्कुल उठा करके अगर हम कहें तो बड़ी आसानी से गर्म वायु राशियों को ऊपर उछाल देती है। सटाक एंड व्हाट द पर्टिकुलर, यू नो, द साइक्लोन, टेम्परेट साइक्लोन डेवलप, यानी कि जिस प्रकार के यहां पर शीतोष्ण चक्रवात निर्मित होते हैं, दे आर ड्यू टू दिस एके इफेक्ट, यानी कि इस प्रकार के प्रभाव के कारण से, दिस आर वी कॉल्ड एज द बॉम्ब साइक्लोन। इसे ही क्या कहते हैं, इसे ही यहां पर हम बॉम्ब या फिर बम चक्रवात के नाम से पुकारते हैं। बहुत साधारण सी बात है और यहां आप देखिएगा, सो एक्चुअली आई एम जस्ट गोइंग टू एक्सप्लेन हियर, टेम्परेट साइक्लोन विच ऑकर्स इन द विंटर आर कॉल्ड बॉम्ब साइक्लोन। ओके, मतलब शीत ऋतु में आने वाले शीतोष्ण चक्रवातों को ही बम चक्रवात कहा जाता है। ओके, एंड दिस साइक्लोन्स ट्रेवल फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि ये जो चक्रवात होते हैं पश्चिम से पूर्व की ओर गति करते हैं या यात्रा करते हैं, और यही कारण है कि जब एक्चुअली मैं बात करता हूं यूएसए की, आर यू गेटिंग मी, मतलब अभी हाल ही में मैंने जब शुरुआत की तो मैंने आपसे कहा कि अमेरिका में एक्चुअली यहां पर क्या हुआ है, अमेरिका में बेसिकली, ओके, फ्रॉम द वेस्ट यानी कि पश्चिम से आकर के इन्होंने इसके नॉर्थ अमेरिका के, उत्तर अमेरिका के या यूएसए के ईस्ट में, यानी कि पूर्व में, बहुत जबरदस्त तरीके से, ओके, तूफानी चक्रवात या तूफानी अगर हम कहें तो, ओके, बारिश, ब्लिजर्ड यानी कि बर्फीली बारिश लेकर के आए, जिसके कारण से अचानक तापमान बहुत तेजी से नीचे गिर गया। जन कह सकते हैं कि यहां पर जन सामान्य की जो आम जनजीवन है वो पूरी तरीके से बाधित हो गया है, हालत खराब हो चुकी है। तो यही कॉन्सेप्ट था बेसिकली हमारे पास में अबाउट द टेम्परेट साइक्लोन्स, और मेरे आप लोगों से विनती है कि अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट वाकई में बहुत अच्छा लगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कॉन्सेप्ट का, ओके, पार्ट कौन सा सबसे अच्छा था और क्या चीज थी जो एक्चुअली आज के कॉन्सेप्ट में आपको बहुत अच्छा लगा और कुछ नया मिला। ओके, सो प्लीज मैं आपके कमेंट्स का डेफिनेटली वेट करूंगा, प्रतीक्षा करूंगा, इंतजार करूंगा। और अभी तक भी अगर आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। मैं आप लोगों को बता दूं, बायजूस एग्जाम प्रैप पर रेगुलर पेड क्लासेस न्यू बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। बायजूस एग्जाम प्रैप के न्यू बैचेस की बात करते हैं तो यूजीसी नेट पेपर 2 ज्योग्राफी के फाउंडेशन कोर्स को आप मेरे साथ आशीष ओगले के साथ में से शेयर करते हैं। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि दरअसल ये एक सफलता की यात्रा है, इट इज द जर्नी ऑफ सक्सेस, जिसमें आप, ओके, मेरे साथ में बंद करके चलेगा एक हम सफर और अब की बार लेकर आके आएंगे हम लोग जीआरएफ पार। सो ऐसे इस पर्टिकुलर यूजीसी नेट ज्योग्राफी पेपर 2 के फाउंडेशन कोर्स में आप लोगों को मिलता क्या है, तो 160 प्लस लाइव क्लासेस हैं, 2000 से ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, 20 प्लस मॉक टेस्ट है। हर क्लास के बाद में आपको पीडीएफ फॉर्मेट में बुक्स मिलती हैं और स्पेशली ई बुक्स होती हैं ये, और इसके अलावा सेक्शनल प्रोग्रेसिव टेस्ट, मतलब यूनिट यूनिट के हिसाब से हमारी क्लासेस होती है। हर यूनिट खत्म करने के बाद हम आपको सेक्शनल प्रोग्रेसिव टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यानी कि गत वर्षों के प्रश्न पत्रों पर हमारी बात होती है, डाउट सेशंस 24 घंटे ऑन। ओके, टेस्ट सीरीज के लिए आपके बड़ा जबरदस्त एक्सेस है तो देर किस बात की है। एनरोलमेंट स्टार्टेड है, फटाफट आप कॉल कीजिएगा 9650052904 और जुड़ जाएगा मेरे साथ में अब की बार जेआरएफ पार की सफलता की यात्रा के लिए। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर। फिर एक बार मुलाकात होती है मेरे रेगुलर क्लासेस, अगर आप सपोज ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि फ्री एप्लीकेशन की क्लासेस शनिवार रविवार को सुबह 8 बजे मेरे साथ में जुड़ते हैं आप लोग। यूट्यूब की क्लासेस वेडनेसडे फ्राइडे यानी कि बुधवार और शुक्रवार को सुबह 8 बजे होती है। संडे के दिन दोपहर में 4 बजे की क्लास कभी भी मत भूलिएगा। ओके, और काफी जबरदस्त सेशंस होते हैं, कहते हैं और मैं कहता हूं कि बायजूस एग्जाम प्रेप पर सुबह सुबह की पहली क्लास अगर ज्योग्राफी के मिल जाए तो दिन गुड डे हो जाता है। सो ऐसे ही अपने दिन को गुड डे गुड डे करने के लिए हफ्ते में 4 दिन कम से कम मेरे साथ में आकर के जरूर मिलेगा। और अभी तक भी अगर आप लोगों ने बायजूस एग्जाम प्रेप के हमारे टेलीग्राम ग्रुप को या टेलीग्राम के चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया या फिर कह सकते हैं कि आपने ज्वाइन नहीं किया है, तो बायजूस एग्जाम प्रेप ज्योग्राफी बाय आशीष सर एंड शिखा मैम, एक्चुअली इस नाम से आप सर्च कर सकते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में देखिएगा लिंक शेयर की हुई है, फटाफट क्लिक कीजिएगा, आएगा बायजूस एग्जाम प्रेप के इस चैनल के साथ में जुड़ जाएगा। ओके, रेगुलर क्लासेस के लिए फटाफट कॉल कीजिए।
थैंक यू सो मच एंड टेक केयर। और मुझे लगता है कि बहुत जबरदस्त तरीके से आप लोगों ने इसे शेयर किया होगा और सब्सक्राइब भी कर लिया जगह, तो थैंक यू सो मच, टेक केयर। फिर एक बार और मुलाकात होती है एक बहुत बड़े और नए अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ। बाय एंड टेक केयर।